गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एसएसटी में चैप्टर 2 चल रहा है हिस्ट्री का, ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव। इससे पहले हम आपको राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, उद्योग और व्यापार और भारतीय उद्योगों का पतन यहाँ तक बता चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2.6 है सामाजिक प्रभाव, कि अंग्रेज़ों के आने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश शासन का भारत पर जो था सामाजिक प्रभाव में क्या चेंजेस हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजी शासन केवल नकारात्मक प्रभाव ही नहीं पड़ा बल्कि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे। मतलब अंग्रेजों के आने से मतलब नकारात्मक प्रभाव ही सिर्फ नहीं पड़ा था, इससे क्या कुछ अच्छा भी प्रभाव पड़ा था। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत में कई समुदाय एवं धर्मों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। 18वीं सदी की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, तो भारत में कई समुदाय मतलब कई रिलीजियस और कई तरह के समुदाय ने क्या क्या था अपना जड़ जमा लिया था। हिंदू कई जातियां एवं उपजातियों में विभाजित थे, हिंदू ही क्या थे वो कई जातियों में विभाजित थे। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि हिंदू समाज में प्रचलित थी। क्या थी 18वीं सदी में क्या थी, तो सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता है कि जिनके पति मर जाते हैं साथ में उनकी पत्नियों को भी जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। बाल विवाह, बच्चे छोटे छोटे ही रहते थे उनकी शादी करवा दी जाती थी। दहेज प्रथा, शादी से पहले ढेर सारा धन लेना, ये सब जो है हिंदू समाज में प्रचलित थे। समाज में असमानता तथा एक दूसरे से घृणा जैसी सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। समाज में क्या क्या थी, तो असमानता था जातियों में और एक दूसरे से घृणा और बुराइयां जो थी ये व्यापक थी। इसके फलस्वरूप भारतीय समाज की उन्नति नहीं हो पाई। ये सब होने से क्या हुआ कि भारतीय समाज की जितनी उन्नति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। अंग्रेज शासकों से कुछ समाज सुधारक भी थे। अंग्रेज शासकों में क्या थे, कुछ समाज सुधारक थे जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत थे। सर्वप्रथम लॉर्ड बैटिंग के समय 1828 से 1835 में सामाजिक सुधार शुरू हुए। समाज में जितनी भी बुराइयां थी वो क्या की गई, उनको कहीं ना कहीं सुधार करना शुरू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में कई चेतना जगाई। अंग्रेजी शिक्षा ने क्या की, भारतीयों में कई चेतना जगाई। मतलब कि बहुत सारे जैसे होते हैं क्या कि इसका मतलब हुआ कि जैसे सती प्रथा था, दहेज प्रथा था, इन सब को ख़त्म करने के लिए जैसे शिक्षा बहुत ज़रूरी है, कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं शिक्षा किस लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप पढ़ लिख लीजिए तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सब चीज़ को जो गलत काम होती है वो ना करें। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ये जो राजा राम मोहन राय हैं ये क्या है, एक समाज सुधारक थे जो पश्चिमी सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा लॉर्ड बैटिंग से वार्ता कर सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। क्या था ये, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी राजा राम मोहन राय ने और इसे पूरी तरीके से ख़त्म करके, बल्कि ख़त्म ही नहीं बल्कि इसको दंडनीय अपराध भी घोषित किया कि अगर कहीं भी सती प्रथा लगाया जाएगा तो वहाँ पर उसको दंड दिया जाएगा, जिस समाज में ये होगा उस समाज को दंड दिया जाएगा। सती प्रथा आप लोग पौराणिक काल में भी पढ़ चुके होंगे, महाभारत में जैसे था पांडु और कुंती और उनकी पत्नी माधवी थी, जब पांडु मरते हैं तो माधवी को भी क्या करता है सती प्रथा के तहत जला दिया जाता है जिंदा, तो उसका जो है खत्म कहाँ किया गया, तो इसमें अंग्रेजों के ही राज में ख़त्म किया गया। तो किन के द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। उस समय देश में दास प्रथा भी प्रचलित थी। अब ये दास प्रथा क्या होता है कि तुम मेरे नौकर हो, जैसे कोई भी कर्ज लिया, कोई भी पैसा नहीं चुका पाया तो वो क्या होता था, वो हमेशा हमेशा के लिए ही जीवन भर के लिए आजीवन उसका नौकर हो जाता था, ये दास प्रथा था।
सन 1843 में दास प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया गया, दास प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। कब? तो 1843 में। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों को धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के दमन चक्र का पता चलने लगा। बल्कि अब क्या हुआ, तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने से भारतीयों में अंग्रेज का दमन जो था उसके चक्र का पता चलने लगा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब जैसे अब था क्या, उनका लैंग्वेज हम लोगों को पता ही नहीं था, वो क्या बात कर रहे हैं आपस में, वो आगे क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं। तो उनके खिलाफ़ जो है कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी, जब भारतीय अंग्रेजी सीख लिए, उनकी भाषाओं को सीख लिए, तो कहीं ना कहीं उनका सारा षड्यंत्र पता चलने लगा कि ये अंग्रेज अब ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। इस पर साहूकारों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेजी शासन का साथ देना बंद कर दिया। जब उन्हें पता चलने लगा तो उन्होंने क्या किया, साहूकार व्यापारी और सरकारी कर्मचारी जो थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का साथ देना बंद कर दिया। इस प्रकार भारतीय अपनी आवश्यकता एवं अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गए, जिस कारण भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। क्या हुआ, अब जो भारतीय थे वो अपनी आवश्यकता और अधिकार खुद के लिए सजग हो गए और राष्ट्रवाद की भावना जाग गई। शिक्षा का प्रसार क्या है, अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का आरंभ, कंपनी का शासन आरंभ होने से पहले भारत में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाओं में थी। क्या थी, जहाँ के लोग जैसे थे, जहाँ वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी में वहाँ पे पढ़ाई होती थी, तथा पाठशालाएँ, मकतब, मदरसे आदि शिक्षा के पारंपरिक केंद्र थे। पहले क्या था, जैसे आप लोग वही पौराणिक बात करें तो कहना कि गुरुकुल था, पेड़ के नीचे गुरुजी पढ़ाते थे। तो ठीक उसी तरीके से पाठशालाएँ जो थी, मकतब था, मदरसा था, ये सब पारंपरिक केंद्र था जिसमें अधिकतर धार्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, पत्र लेखन और पहाड़े पढ़ाए जाते थे। उसमें क्या था, सिर्फ धर्म की बातें सिखाई जाती थी धार्मिक विषयों पर ही। लेकिन अब क्या है, हम लोग को अब धर्म ही नहीं बल्कि हम लोग तो प्लैनेट और मतलब पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहले सिर्फ पत्र लेखन ही पढ़ाया जाता था और पहाड़ा, जिसको टेबल कहते हैं। शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण और उच्च मुसलमान ही प्राप्त करते थे। पहले की जो शिक्षा थी क्या थी, वो सिर्फ ब्राह्मण और उच्च मुसलमान, मुसलमान में जो उच्च थे उनको प्राप्त होती थी। वो व्याकरण, शास्त्रीय भाषाएं, संस्कृत, अरबी, फारसी, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन करते थे। संसार के अन्य भागों में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्रों में जो नवीन विकास हुए थे वो उनसे अनभिज्ञ थे। कंपनी का शासन काफ़ी समय तक शिक्षा के प्रति उदासीन रहा। मतलब जो जब यहाँ पे शिक्षा कुछ नहीं थी, जब यहाँ पे ये पढ़ाई जा रही थी सिर्फ धार्मिक और पहाड़े और लेखन, तब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार हो गया था, नई नई चीज़ों का खोज हो गया था, और तब भारत में कुछ भी नहीं हुआ था। और कंपनी का शासन भी जो था काफ़ी समय तक शिक्षा के प्रति उदासीन ही रहा। मतलब जैसे कंपनी का, जैसे ब्रिटिश आए यहाँ पे शासन करने के लिए, तो उन्होंने व्यापार सब कुछ तो किया लेकिन उन्होंने शिक्षा का उतना ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए पहला कदम 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के बाद उठाया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा का विकास कब उठाया, तो पहला 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के बाद ही उठाया था। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये मंजूर किए गए। इस एक्ट में क्या क्या किया गया, तो शिक्षा का प्रसार करने के लिए, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 रुपये की मंजूरी दी गई। 1835 ईस्वी में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निश्चय किया। सरकार ने क्या किया, तो यूरोपीय साहित्य जो था यूरोप से और उसके ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, मतलब अब जो है धार्मिक पढ़ाई छोड़ के अब क्या है, विज्ञान के बारे में इन लोगों को बताया गया। इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा चलाए गए कुछ स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। क्या हुआ, उसके बाद ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल आई, और जैसे अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के कॉलेज और स्कूल में क्या होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, और कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का भी पढ़ाई होता है। लेकिन पहले जो हिंदी मीडियम था उसमें भी क्या था, सिर्फ धर्मों की बातें सिखाई जाती थी, लेकिन अब हिंदी मीडियम में भी आपको विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है।
कुछ साल बाद कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। क्या हुई? कलकत्ता, मुंबई जो महानगर थे वहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय हुआ वो यूनिवर्सिटी। 1844 ईस्वी में सरकार ने घोषणा की अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। 1844 ईस्वी में सरकार ने क्या घोषणा की कि जो इंग्लिश जानता है उसी को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब सबसे पहले उसी को लिया जाएगा जो इंग्लिश जानता है। जैसे कि आप लोग अभी भी देखते हैं कि जिनको इंग्लिश आता है, जो फ्लुएंसी इंग्लिश बोल सकते हैं, उनको कहीं भी जॉब मिल जाती है। इससे अंग्रेजी शिक्षा का अधिक लोकप्रिय हो गया। इससे क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा अधिक लोकप्रिय करने के लिए सरकार ने क्या किया? बोला जिसको अंग्रेजी आती है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिटिश शासकों ने यह भी सोचा कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बने रहेंगे और प्रशासन में सहायक होंगे। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने यह सोच कर किया कि ये जो हमारे समर्थन में रहेंगे और हमारे प्रशासन में, मतलब उनके कार्य में ये सहायक होंगे। यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय समाज में अंग्रेजी जानने वाले तथा अंग्रेजी ना जानने वालों के बीच एक खाई बन गई। अब क्या हुआ? जो अंग्रेजी जानता था और जो अंग्रेजी नहीं जानता था, उन दोनों के बीच क्या हुआ? एक खाई बन गई। जैसे अगर बात करें मतलब दुश्मनी टाइप का, कि हमें इंग्लिश आती है और तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। जैसे कहीं ना कहीं अभी ये खाई, अभी भी कहीं ना कहीं ये खाई है हमारे समाज में, अभी भी है। परंतु इस शिक्षा से लोगों में राष्ट्रीय की भावना भी पैदा हुई, क्योंकि उन्हें इस शिक्षा के द्वारा अन्य देशों में घटित राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान हुआ और जनता में अंग्रेजी जानने वालों का एक ऐसा वर्ग बन गया जिसने समानता एवं स्वतंत्रता के आधार पर अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लाभकारी सिद्ध हुए। अंग्रेजी, जब लोगों ने यहाँ पे अंग्रेजी सीखा तो उससे क्या हुआ? राष्ट्रीय की भावना पैदा हुई और इस शिक्षा के द्वारा उन्होंने क्या किया? राजनीतिक घटनाओं का ज्ञान हुआ कि राजनीति क्या थे। जैसे अंग्रेज क्या करते थे? पॉलिटिक्स करते थे यहाँ पे। और अंग्रेजी जाने वाले भी एक ऐसा वर्ग बनाए जिसने स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए जनमत तैयार किए, मतलब एक ग्रुप बनाया, और यह स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका शॉर्ट टाइप और क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको करके देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।